दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खासकर बात करेंगे होलर मशीन से रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन। आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने खोल के रखा है आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम आज जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं, पहले भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप नहीं देखे हैं तो उसको चैनल में से आप लोग देख सकते हैं। तो मैं हूँ प्रकाश और आप सभी को अपने चैनल प्रकाश की टीम में स्वागत है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू कर। हमेशा की तरह यहाँ पर आप लोग को एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने होलर का जो ऊपर का कैप है, चाहे तो ढक्कन बोल सकते हैं, इसको मैंने खोल करके रखा है अपना टाइम को मैनेज करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर आज जो हम खास कर डिस्कस करने वाले हैं, ये जाली को लेकर के। जाली के ऊपर मैंने कई वीडियो बना रखा है चैनल में से, आप लोग देख सकते हैं, अभी तक नहीं देखे हैं तो ठीक है। तो खास कर मैं इस जाली को लेकर के डिस्कस करेंगे। ये एक जाली है, ये एक जाली है, ठीक है। तो बीच में ज्वाइंट है, कभी कभी ज्वाइंट जहाँ पर है, यहाँ से जब इस मशीन को चलाते हैं तो चावल या तो धान नीचे गिरने लगता है। तो उसको परमानेंट किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे, इसी पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसको कैसे खोलना है, यहाँ पर मैं आप लोग को सारा डिटेल दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम ये पेचकस की मदद से इस जाली को निकालेंगे। यहाँ पर आप लोग को चावल भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा करेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं। ये चावल नीचे गिर जा रहा है, कोई बात नहीं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इधर डाल देते हैं। तो ये रहा, अभी ये जाली वर्किंग कंडीशन में है, आप लोग देख सकते हैं ये, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा वाला जाली भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। इधर से अगर यदि नहीं खुलेगा तो इसको यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा लूज करेंगे इस तरीके से, आसानी से खुल जाएगा इस तरीके से। ये बहुत ही आसानी से ये निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पेचकस की मदद से आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये रहा, ठीक है दोस्तों, ये भी वर्किंग कंडीशन में है। चावल को मैंने साइड में डाल दिए, तो इस तरीके से, ठीक है। दोनों जाली को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं सफाई कर लेता हूँ इस तरीके से। अंदर का पूरा नज़ारा एक बार आप लोग देख लीजिए। ये बिल्कुल होल है। यहाँ पर चार प्लॉट है, एक प्लॉट, दो प्लॉट, तीन प्लॉट, चार प्लॉट। यहाँ पर बीच बीच में आपका तीन बॉर्डर लिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब भी अपने वाला होलर मशीन को जब कभी खोलेंगे तो इसी तरह से देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर दो जाली लगती है, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब हम सेटअप करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को जाली एक बार बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये रहा, ठीक है। ये अभी वर्किंग कंडीशन में है, इसीलिए इसी को रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पर ज्वाइंट होती है तो यहाँ से ही चावल नीचे गिरने का ज़्यादा संभावना रहती है दोस्तों। यहाँ पर जब जाली को हम इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइंट होती है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बीच है, बीच में एक बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ से इधर एक जाली रहती है और यहाँ से इधर एक जाली रहती है, ठीक है। तो ज्वाइंट किस तरह से रहता है मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। ये, ठीक है, इस प्रकार से। कभी कभी ये वाला जो ज्वाइंट है ज़्यादा गैप हो जाता है, तो इसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से चावल नीचे गिरने लगता है। तो इसको किस तरह से ब्लॉक कर सकते हैं परमानेंट, है ना, उसी का सोल्यूशन इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ दोस्तों। हालांकि पहले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, लेकिन मैंने खोल करके नहीं दिखाया था, तो आज पूरा खोल करके मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक एक करके यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे और किस तरह से हम करेंगे इसका सोल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग के पास में ये वाला टीना होना चाहिए, है ना, आपके पास इजीली मिल जाएगा। और आपके पास में ये वाला कटर होना चाहिए, ठीक है। इसको इस तरीके से काटेंगे, इसका साइज में इस तरीके से मोड़ करके, ठीक है, कट करेंगे। ऑलरेडी मैंने बना करके रखा है ये, ठीक है। आप लोग इस तरीके से आप काट सकते हैं। तो चलिए इसको हम इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल आप लोग को दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम इस वाले पत्ती को यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि इसको फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद जाली हम लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ये वाला एक ठू पत्ती को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। इस जाली को इंस्टॉल करने से पहले ये वाला पत्ती को हम यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करते हैं, ताकि जहाँ से गैप ज़्यादा बनती है तो वहाँ गैप ब्लॉक हो जाए और जो चावल या तो धान गिरता है वो बिल्कुल बंद हो जाए इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब इसके ऊपर में हम इस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे, ये बड़े ही आसानी से आ जाएगा
इस प्रकार से जो टीना का पत्ती है उसमें भी दूसरा वाला जाली को इसको इस तरीके से बैठा देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे इस तरह से, इसको इधर से थोड़ा सा हम दबा देंगे इस तरह से। यहाँ पर आप लोग को मैं सामने से गैप दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूँ, ये यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ अच्छी तरह से ये ब्लॉक हो चुका है, इधर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी चावल या तो धान गिरने का बिल्कुल कम चांस है दोस्तों। यदि आपके पास में इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप फिक्स कर सकते हैं अपने से। इन सारा काम हो जाने के बाद आपका ये वाला पत्ती फिर से लगाना पड़ेगा। ये वाला पत्ती इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये वाला जो जाली है इसको दबा करके रखता है इस तरह से, बोल्ट देख सकते हैं, इसको यहाँ पर लगाना होता है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर चार बोल्ट है, इसको इस तरीके से यहाँ पर हम कास देते हैं एक एक करके। इधर से भी आप लोग देख सकते हैं ये लगभग हो चुकी है, यहाँ पर अच्छी तरह से ये वर्क करेगा दोस्तों। ठीक है, हालांकि मेरा सब सही था, आप लोग को दिखाने के चक्कर में मैंने ऐसा किया था दोस्तों। ठीक है, सॉफ्ट को एक बार मैं यहाँ पर आप लोग को घुमा के दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से ये घूमता है। तो चलिए आप इसको हम बंद कर देते हैं। दोस्तों सारे काम मैंने लगभग पूरा कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जो भी दिखाना था, खासकर जो मैंने डिस्कस किया दो जाली का जो ज्वाइंट है, यहाँ पर पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए, आप लोग को पूरा आइडिया हो जाएगा, तो घर बैठे आप अपने से भी ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।